नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव फोन इन प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। और दर्शकों, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है उर्दू। उर्दू में हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं, अच्छे ख्यालात, जो कि क्लास फिफ्थ से लिया गया एक टॉपिक है। बेहद ज़रूरी है आज के जीवन में कि हम सकारात्मक रहें, अच्छी सोच रखें और अच्छे ख्यालात हमारे मन में रहें। तो इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर मोहम्मद फारूक अंसारी, जो कि भाषा शिक्षा विभाग एनसीईआरटी में कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया जी। इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि अगर इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है, आपकी कोई क्वेरी है या फिर आपका कोई सुझाव है, तो आप हमसे हमारे टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे ईमेल आईडी के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है cit.kishormanch@gmail.com। देखिए, यहाँ बात नहीं होती, बिल्कुल परेशान ना हो। आप हमसे यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर देखने के लिए आप टाइप करेंगे NCERT ऑफिशियल। और अगर आप चाहते हैं कि लाइव कार्यक्रम के दौरान फ़ोन कॉल से आपकी बात नहीं हो पा रही है, तो आप यूट्यूब पर जाकर इस लाइव कार्यक्रम के दौरान कमेंट बॉक्स में अपने सभी प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। लगातार एक्सपर्ट बने हुए हमारे साथ अलग अलग विषयों के साथ, आपको भरपूर ज्ञान देने के लिए, ताकि आप पढ़ सकें और आप बढ़ सकें। तो चलिए, इसी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये जो अच्छे ख्यालात का जो सबक है, क्या कुछ जानकारी इसमें प्रोफेसर हमें देने वाले हैं और इस सबक से क्या कुछ ऐसे लर्निंग आउटकम हैं जो हम सीखते हैं। जी सर जी, ये जो सबक है अच्छे ख्यालात, ये दरअसल एक किस्सा है और इस किस्से को मकालमे की शक्ल में यहाँ पेश किया गया है सबक में। और किस्सा, जैसा कि आप जानते हैं कि जो किस्सा है वो होता है किसी मामले को, किसी वाक़े को या कोई माजरा है उसको बयान करना या उसका जिक्र करना, वो किस्सा कहलाता है। यानी बातों का ऐसा सिलसिला जिसमें किसी मामले को, वाक़े को या झगड़े को जो है बयान किया जाता है, उसको हम किस्सा कहते हैं, है ना। और किस्से हमारे यहाँ एक मजबूत रिवायत रही है किस्सों की। मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से हम लोगों ने पढ़े हैं, तेनालीराम के किस्से हैं, तोता मैना के किस्से हैं, बहुत सारे किस्से हैं। ये सारे जो किस्से हैं वो कोई ना कोई वाकया, कोई मामला है जिसका वो बयान करते हैं, और वो बयान करने वाले का अंदाज होता है कि वो उसको दिलचस्प बना देता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। किस्से छोटे भी होते हैं और तवील भी होते हैं। तवील किस्से का जो बयान, या उसमें कई किस्से जो है वो उनको मिला दिया जाता है, मिलाकर एक जो है वो किस्सा बनता है। और साथ ही साथ उसमें जो है बहुत सारी बातें शामिल कर दी जाती है, बहुत सारे लोगों को, अजीबोगरीब बातें, अजीबोगरीब किरदार उसमें शामिल हो जाते हैं, जैसे जिन है, भूत, परी, प्रेत, ये तमाम जो माफुकुल फितरत अनासिर हैं वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं। उसका मकसद ये होता है कि उसको दिलचस्प बनाया जा सके और जो किस्सा सुन रहा है, जो वाकया सुन रहा है, उसका तजस्सुस बरकरार रहे और उसके अंदर जो शौक है किस्सा सुनने का, वो शौक जो है वो बराबर कायम रहे। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जो एक किस्से की शक्ल में आती। उसी तरह का एक किस्सा यहाँ इस सबक में भी शामिल है, जिसको मकालमे की शक्ल में, किस्से बयान करने के जो है हम कहते हैं ना कि चीज़ों को बयान करने के अलग अलग तरीके होते हैं, इजहार के पैराए अलग अलग होते हैं, तो उसी में एक मकालमे का अंदाज भी है। अब मकालमा दरअसल वो चीज़ होती है जिसको हम अंग्रेजी में डायलॉग कहते हैं, यानी किरदारों के जरिए, किरदारों के दरमियान जो बातें हैं, उन बातों को जो बयान किया जाता है या उनकी आपस की जो गुफ्तगू होती है, उसको डायलॉग या मकालमे की शक्ल देते हैं। तो ये मकालमे होते हैं और इनकी मदद से जो है वो वाकयात की तरतीब की जाती है। वाकयात की तरतीब के साथ साथ जो है ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसमें शामिल होती हैं। तो यहाँ भी जो किस्सा है वो यही है कि किस तरह से किरदार को रख करके उनके दरमियान गुफ्तगू का या डायलॉग का या मकाल जो है वो बयान किए गए। तो ये वो किस्सा है। और किस्सा अकबर और बीरबल का है। हमने बहुत सारे किस्से पढ़े हैं अकबर और बीरबल के, तो अकबर और बीरबल के दरमियान जो है वो एक किस्सा यहाँ पर उसको शामिल किया गया है और उनको डायलॉग की शक्ल में यहाँ पर
पेश किया गया। जी, जी। आपने बात की कि किस्से को एक मकालमे का रूप दिया गया है और किस्से को एक मकालमे के रूप में पेश किया गया है। जी। अगर मैं बात करूं कि मकालमे की जो खूबी है वो क्या है, किस प्रकार से है, तो उसके बारे में आपका मकालमे की बात अगर हम करें तो मकालमा दरअसल जो है वो ड्रामे का एक बहुत बड़ा कह लीजिए एक बहुत अहम हिस्सा है उसका, क्योंकि ड्रामा जो होता है वो करके दिखाने का अमल है, यानी ऐसे ही जो है किस्सा या वाक़या जिसको हम करके दिखाते हैं, यानी उसकी नकल करते हैं कि वो कैसे गुजरा, किस तरह से हुआ, क्या क्या चीज़ें रही, ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो करके दिखाने का अमल ड्रामा होता है और उसमें एक सबसे पहले प्लाट होता है, यानी वाक़यात की तरतीब होती है कि वाक़या है, कौन कौन से वाक़यात गुजरे या कौन कौन सा मामला हुआ और किस तरह से चला, तो वो तरतीब व तंजीम जो है वो प्लाट कहलाती है। और इन वाक़यात को हम पेश करते हैं किरदारों की शक्ल में कि कौन कौन से किरदार हैं जिनके ज़रिए जो वाक़या गुज़रा होगा उस वाक़े को या उस किस्से को बयान किया जाता है, और वो किरदार उसको अदा करते हैं, यानी उसको करके दिखाते हैं अपने हरकात व सकनात से, अपने अमल से, तमाम चीज़ों से करके दिखाते हैं, और जो वाक़यात या जो किस्सा है उसको पेश करते हैं वो बातों के ज़रिए, यानी जो बातें होती हैं वो डायलॉग, वो मकालमे कहलाते हैं। यानी किरदारों के दरमियान और किरदारों और दूसरे जो वाक़यात के दरमियान का जो मामला है, जो कुछ भी गुफ्तगु है, वो उनको हम मकालमे कहते हैं। तो ये मकालमात की, अब मकालमों की खूबी जो है वो ये है कि एक तो मुख्तसर होने चाहिए, बड़े बड़े मकालमे हमें बोलने में भी दुश्वारी पेश आएगी, उनको अदा करने में भी। दूसरी चीज़ उनके बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में होना चाहिए, बिल्कुल आम फहम जबान हो, जिससे जो उसको देख रहा है ड्रामे को या जो पढ़ रहा है ड्रामे को वो बआसानी उनकी बातों को समझ ले। तो ये दो तीन चीज़, दूसरी बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं कि किरदार जो है वो जिस जगह से ताल्लुक़ रखता है या जिस तबके से ताल्लुक़ रखता है वो वही ज़बान बोलेगा, उसके मकाल में उसी ज़बान के होंगे, और जो अशराफिया तबका है या जो आला तबके के जो किरदार हैं उनका एक अलग बोलने का अंदाज़ होगा उनका तर। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जिसमें वो मकाल में लिखे होते हैं। अब बादशाह और दरबारी के दरमियान अगर मकालमा है तो बादशाह की अपनी एक जो है अंदाज़ होगा बात करने का, तो वो उस तरह से उसकी गुफ्तगू का वो ज़िक्र होगा, और जो दरबारी है उसका वही होगा, और वो ख़िताब भी करेगा तो उसी तरह से, जहाँ पना बादशाह जहाँ आलम, ये तमाम जो आलम पना ऐसे अलकाब से वो उनको एड्रेस भी करेगा। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं मकालमे की, जो एक कहते हैं कि अच्छे मकालमे जो हैं वो कामयाब बनाते हैं किसी भी ड्रामे को, किसी भी प्ले को। तो मकालमे की उसकी बड़ी अहमियत है वहाँ पे, और ये चाहे हम स्टेज का ड्रामा कर रहे हो, चाहे नुक्कड़ नाटक हो, चाहे रहस्य हो, चाहे रेडियाई ड्रामा हो, सब में मकालमे की बड़ी अहमियत होती है, और इन मकालमों की अदायगी से ही ये तमाम चीज़ें पेश की जाती हैं। जी। अगर मैं बात करूँ कि इस सबक को पढ़ने के बाद बच्चों में जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो किस तरीके से डेवलप होता है, और दूसरी बात यह है कि जो उनके अंदर जो ख्याल आते हैं वो किस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ मतलब कि उसको पेश कर सकते हैं। देखिए, इस सबक की अब इस किस्से को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसका मकसद जो है एक वाक़या है, उस वाक़े को बयान किया गया है कि, और अकबर और बीरबल के दरमियान तो बहुत सारे वाक़यात हैं, और हर वाक़े का कोई ना कोई हासिल होता है, हासिल जिसको हम कहते हैं कि सबक हमें मिल रहा हो। तो जब इस तरह की जब तहरीर हम पढ़ते हैं तो हमें उससे कुछ अखलाकी दर्स मिलता है, कुछ चीज़ें मालूम होती हैं, क्योंकि नसीहत के अलग अलग अंदाज़ होते हैं। एक है बराह रास्त नसीहत कर दीजिए, किसी चीज़ को बता दीजिए, उससे बेहतर है कि हम उसको इस तरह से, क्योंकि जो कहानी है, किस्से हैं, ये जो तमाम चीज़ें हैं वो इस तरह के होती हैं जो ज़्यादा देर असर रखती हैं। अगर कोई नसीहत इनसे हासिल होती है या कोई दर्स हमें इससे मिलता है तो वो बहुत देर पा होता है। तो इसीलिए हम लोग कहानी भी ज़्यादा पसंद करते हैं, कहानी सुनना सुनाना, किस्से सुनने सुनाना, और एक तवील रिवायत हमारे यहाँ मौजूद है इस तरह की
बयानिया नसर की, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है बयानिया नसर का हिस्सा हैं, किस्सा है, दास्तान, अगर तो बहुत सारे किस्से मिल जाते हैं और मिलकर फिर ये तमाम माफ़ुकुल फ़ित्र अनासिर जो हैं उसमें शामिल हो जाते हैं तो वो दास्तान हो गए। उसी तरह से अफसाना है, एक छोटा सा वाक़या या कोई किस्सा जो हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है उसको पेश किया जाता है, जिसमें वहदत तासुर यानी उसका असर जो है वो ख़ास माने रखता है। उसी तरह से नावल का भी मामला है, दास्तान और नावल जो है तकरीबन एक जैसी चीज़ है, क्योंकि नावल में भी बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं लेकिन नावल जो है उसमें ये माफ़ुकुल फ़ित्र अनासिर जो है वो नहीं होते हैं, बल्कि तमाम वाकया जो हकीकी ज़िंदगी से बिल्कुल जैसे ताल्लुक, जीते जागते किरदार होते हैं हमारे, वो वहाँ पर पेश। तो ये तमाम जो हैं वो बयानिया नसर, बयानिया नसर से मुराद ये कि इनको बयान किया जाता है, यानी ये वाकयात बयान करने के, तो वो बयानिया का अंदाज बिल्कुल अलग होता है। तो उसके ज़रिए जो है हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, हमें बात करने का अंदाज़, गुफ्तगू का अंदाज़ और दूसरे जो मामलात हैं वो तमाम चीज़ें इनसे ज़ाहिर होती हैं। पाठ में आए जो भाषा प्रयोग है, जो शब्दों का भाषा प्रयोग किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है और उसको अगर हम समझना चाहें तो किस तरीके से समझ सकते हैं? देखिए, आप इसके लिए बेहतर है कि पहले आप इसको एक किस्से को थोड़ा सा पढ़ लें जो यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। आप देख रहे हैं उर्दू का ये कार्यक्रम और आप अभी हम एक खूबसूरत सा जो क्या बोलते हैं जिसे हम मकालमा कहते हैं वो पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ विशेषताएं हैं उसमें, किस तरीके से शब्दों का चयन किया गया है, किस तरीके से भाषा प्रयोग की गई है, किस तरीके से जो शब्द हैं वो हमें मतलब कि बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ ज्ञान देते हैं। और साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि उर्दू में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई कठिनाई, कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। भाषा शिक्षा विभाग के एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, उर्दू के एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी कठिनाई या कोई भी आपका प्रश्न है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, इस कार्यक्रम के दौरान भी बात कर सकते हैं और आप ईमेल आईडी के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं एक खूबसूरत सा मकालमा जो कि आज प्रोफेसर हमें बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं और इसके अंदर किस तरीके से शब्दों पर ध्यान दिया गया है उसके बारे में भी बताएंगे। जी देखिए, ये जो किस्सा है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद है, अच्छे ख्यालात। मामला इस तरह से शुरू होता है कि एक मर्तबा अकबर बादशाह अपने वजीर बीरबल के साथ सैर को निकले, मौसम का लुत्फ लेते हुए दोनों शहर से बाहर आ गए। उनकी निगाह एक लकड़हारे पर पड़ी जो लकड़ियों का गट्ठा अपने सर पर रखे चला आ रहा था। उसको देखकर बादशाह के दिल में अचानक एक ख्याल पैदा हुआ। वो लकड़हारे की तरफ इशारा करते हुए बीरबल से मुखातिब हुए, अकबर क्या तुम बता सकते हो कि ये लकड़हारा हमारे बारे में क्या सोचता होगा? बीरबल, जहां पना, सीधी सी बात है, जैसे ख्यालात आप लकड़हारे के बारे में रखते हैं वैसा ही वो आपके बारे में भी सोचता होगा। अकबर, लेकिन मैं इसे नहीं मानता, दूसरे इंसान के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है? बीरबल, आपको यकीन ना हो तो अपने कानों से सुन लीजिए, मेहरबानी करके आप एक दरख्त पर चढ़कर अपने आप को छुपा लीजिए। दरख्त की मोटी शाख पर छुपकर बैठे हुए अकबर बादशाह सोचने लगते हैं, ये लकड़हारा हमारे जंगल की लकड़ियां हमारी इजाज़त के बगैर काट कर ले जाता है, इसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरह के और ख्यालात बादशाह के दिमाग में आए, तभी लकड़हारा दरख्त के करीब आ पहुँचा। बीरबल उसे रोकते हैं, बीरबल ऐ लकड़हारे तुमने कुछ सुना? आज अकबर बादशाह का इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया यानी दुनिया से रुखसत हो गया, मर गया। लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठा ज़मीन पर फेंक कर नाचने लगता है। लकड़हारा, अच्छा हुआ जो दुनिया से उठ गया, ऐसे बादशाह का मर जाना ही बेहतर है जो अपनी रियाया के दुख दर्द को ना समझ सके। मैं तो आज जलेबियाँ बाँटूँगा। ये कहकर लकड़हारे ने अपना लकड़ी का गट्ठा सर पर रखा और गुनगुनाता हुआ चला गया। अकबर ने लकड़हारे की बात सुनी, उसे यकीन नहीं आया। अकबर, बीरबल ये तो बुराई के बारे में बात हुई, अच्छाई के बारे में भी सुन लूँ तो तुम्हारी बात पर पूरी तरह यकीन आ जाएगा। बीरबल, जहाँ पना, थोड़ी देर और ठहरिए। वो देखिए, एक बूढ़ी औरत आ रही है,
बड़ी गरीब और दुखी नजर आती है, उसके बारे में अच्छे ख्यालात दिल में लाइए, फिर उसकी बातें सुनिएगा। अकबर, सचमुच ये बहुत परेशान लग रही है, तरस आ रहा है इस बेचारी पर। आज से ही इसके खाने पीने के लिए शाही खजाने से इंतजाम करवा दूंगा। बीरबल, जहां पना, जल्दी आप जल्दी से छुप जाइए ताकि वो आपको ना देख सके। अकबर, ठीक है। अकबर छुप जाते हैं। बूढ़ी औरत के करीब आने पर बीरबल उसे रोकते हैं। बीरबल, अरे माई, तुझे पता है या नहीं, आज अकबर बादशाह चल बसे। ये सुनते ही बूढ़ी औरत धाड़े मार मार कर रोने लगती है। बूढ़ी औरत, अरे अल्लाह, ये क्या गजब हो गया, ऐसा रहमदिल बादशाह अब कहाँ मिलेगा। वो अपनी रियाया का कितना ख्याल रखता था, हिंदू और मुसलमान दोनों उसकी आंखों के तारे थे। अय अल्लाह, उसके बदले में तू मेरी जान ले लेता, पर उसको सलामत रखता। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर अकबर के दिल में बीरबल की कही हुई बात की सच्चाई पर ज़रा भी शक नहीं रहा। अकबर, बीरबल, तुमने ठीक कहा कि कोई भी शख्स दूसरों के लिए जैसे ख्यालात रखता है, दूसरे भी उस शख्स के बारे में वैसे ही ख्यालात रखते हैं। ये यहाँ पर ख़त्म होता है मामला। अब देखिए कि पूरा वाक़या जो है वो इस बात पर है कि जैसे ख्यालात हमारे अंदर दूसरों के लिए होते हैं, वैसे ही दूसरे के ख्यालात भी हमारे बारे में होते हैं। ये बात है, इसीलिए हमें बदगुमानी यानी किसी के बारे में गुमान कर लेना, ख्याल कर लेना, बुरा ख्याल कर लेना, उससे बचना चाहिए, बदगुमानी से बचना चाहिए और दूसरे के बारे में अच्छे ख्यालात रखने चाहिए। ये वो चीज़ है जो हमें इस तरफ आमादा करती है कि हम अपने ख्यालात जो हैं वो किस तरह से तरतीब दें, किस तरह से हमारी सोच, हमारा तसव्वुर, हमारा गौर व फिक्र का तरीका जो है वो मुस्बत होना चाहिए। ये एक बुनियादी चीज़ है जो इसमें बयान की गई। अब सवाल उठता है कि ख्याल होता क्या है। ख्याल दरअसल वो सूरत होती है जो आदमी, मतलब कोई भी शख्स जो है बेदारी में तसव्वुर करता है, यानी वो सूरत जो बेदारी, मतलब ख्वाब में नहीं, ख्वाब की बात नहीं कर रहे या बेहोशी के आलम में नहीं, बल्कि बेदार होकर भी जो तसव्वुर करता है उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। जैसे जब सोचने की सलाहियत रखने वाला शख्स अपने मुस्तकबिल के बारे में या मौजूदा हालात के बारे में जब गौर व फिक्र करता है, फिर कोई फैसला करता है, तब वो एक तसव्वुर कायम करता है या ख्याल उसका कायम होता है। तो इस तरह से और जैसी ही हालात होते हैं वैसे ही उसकी शख्सियत भी तरबियत पाती है, और जैसी शख्सियत बनती है वैसे ही उसमें ख्यालात का भी खासा जो है असल उस पर असर होता है। तो ये तमाम चीज़ें होती है। तो पूरी की पूरी जो शख्सियत साजी है यानी पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट है, वो पूरी शख्सियत की तश्कील जो है आदमी के अमल से, आदमी के गौर व फिक्र से, आदमी के ख्यालात से जाहिर होती है। तो अपनी शख्सियत को हमें इस तरह से तैयार करना चाहिए कि दूसरे भी उसके बारे में अच्छी राय रखें। तो ये जो है वो इससे एक मैसेज हमें मिलता है कि बदगुमानी से हमें जहाँ तक हो सके परहेज़ करना चाहिए, बदगुमानी से बचने। किसी के बारे में यूँ तसव्वुर कर लेना कि वो ख़राब है, गलत है, एक तरह से बदगुमानी पैदा होनी, उससे हमें बचना चाहिए। और इस पूरे सबक में यही सबक या यही दर्स हमें हासिल होता है कि हमें ये अंदाज़ा करना चाहिए। जी जब भी हम कोई मकालमा लिखते हैं तो शब्दों का जो चयन है वो किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से जो हमारी भाषा प्रयोग है वो होनी चाहिए? जी, अभी जैसा जिक्र किया कि एक तो ये बात हो गई कि हम किस्से को सीधे साधे अंदाज में बयान करते हैं, दूसरा ये कि हम उसको स्टेज के लिए तैयार करते हैं या उसको ड्रामे के तौर शक्ल में पेश करना चाहते हैं। जब ड्रामे की शक्ल में पेश करते हैं तो हम उसको किरदारों के ज़रिए पेश करते हैं, और किरदार जो है जो गुफ्तगू करते हैं वो मकालमे होते हैं। तो बुनियादी जो चीज़ होती है मकालमों के लिए, हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि किरदार कौन से हैं और किस वाक़े को बयान कर रहे हैं। तो वो जो वाक़या है उसमें किरदारों की जो गुफ्तगू का अंदाज़ है वो हमें सबसे पहले उसके बारे में मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज़, ज़बान किस तरह से इस्तेमाल की जा रही है, किस तरह की बातें हो सकती हैं उसमें। अब यहाँ पर ही अगर हम बात कर रहे हैं कि इस पूरे किस्से में
जो है लकड़हारे के बारे में गुफ्तगू की गई है और उस बूढ़ी औरत के बारे में गुफ्तगू की गई है। दोनों के ख्यालात या दोनों का जो सोचने का तरीका है बादशाह के बारे में, या जो बादशाह के बारे में वो जो इमेजिन करते हैं, तसव्वुर करते हैं, उनका इजहार किया गया। तो अब उनके इजहार के लिए कौन कौन से अल्फाज इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, ये हमें इसमें देखने होंगे। अगर आप फिर से टेक्स्ट पर नज़र डालें तो आप देखिए कि जहाँ भी बूढ़ी औरत की जब बात आती है तो बूढ़ी औरत जो है, जैसे ही उसको खबर मिलती है या जैसे ही उसको मालूम होता है कि बादशाह का इंतकाल हो गया या बादशाह चल बसा है, तो वो सीधा सा जो है, उसको अफसोस जब होता है तो वो सीधे सीधे अंदाज में बयान, अरे अल्लाह ये क्या गजब हो गया, ऐसा रहम दिल बादशाह आप कहाँ मिलेगा, वो अपनी रियाया का कितना ख्याल रखता था। यानी इस पूरे जो जुमला है इसमें वो पूरी उसकी जो कैफियत है वो जाहिर हो जाती है, मतलब कि किस तरह से वो हरूफ निदाइया इस्तेमाल, निदा मतलब किसी को आवाज़ देने के लिए जब करते हैं या किसी से मुखातिब होने के लिए करते हैं, अरे अल्लाह ये क्या हो गया। तो ये इस तरह का जो जुमला है, ये जब हम मकाल में लिखते हैं तो किस तरह से उसने अदा किए होंगे या किस तरह से वो अदा करेगा किरदार, उसका ख़ास ख्याल रखा जाता है और फिर वो जुमला उसको अदा किया, उसको तहरीर करते हैं। दूसरा, उसी के आप आगे बढ़ते हैं तो वही बूढ़ी औरत और उसकी जो खूबियां हैं वो बयान करती है कि हिंदू और मुसलमान दोनों उसकी आंखों के तारे थे, ऐ अल्लाह उसके बदले में तू मेरी जान ले लेता पर उसको सलामत रखता। तो ये जो चीज़ें हैं वो उसके साथ, यानी बादशाह के तई उसके दिल में जो हमदर्दी है, जो उनसियत है, जो उसकी इज्जत है, उन सबका इजहार इन जुमलों से होता है। यानी मकाल में इस तरह के होते हैं कि वो सारी की सारी कैफियत को बयान कर सकें। इसी तरह से जब हम लकड़हारे की तरफ जाते हैं तो लकड़हारा जब वो कहता है, और जैसे ही उसको मालूम होता है कि बादशाह जो है मर गया, तो लकड़हारा खुश हो जाता है। लकड़हारा खुश होकर जो है वो अपनी बात को कहता है, अच्छा हुआ जो दुनिया से उठ गया, ऐसे बादशाह का मर जाना ही बेहतर है जो अपनी रियाया के दुख दर्द को ना समझ सके, मैं तो आज जलेबियां बांटूंगा। यानी बेइंतहा खुशी का इजहार है, यानी जो कैफियत है उसके अंदर, जो उसके जज्बात हैं वो उनका इजहार कर रहा है। अब इसको इस मामले से जोड़कर देखा गया है कि आप जिसके बारे में जिस तरह का ख्याल तसव्वुर करते हैं, सामने वाला भी उसी तरह के ख्यालात को जाहिर करता है। दरअसल ये एक किस्सा है, किस्सा दिलचस्प है और बज़ाहिर एक मजाक भी मालूम होता है कि इस तरह की बात किस तरह से हुई होगी। इन तमाम चीज़ों को अगर निकाल कर हम जो हासिल इसमें से लेते हैं तो वो ये कि हमें अपने आप को जो है किस तरह से मुस्बत गौर फिक्र या मुस्बत जो पहलू है हमारी शख्सियत का वो ज़ाहिर होना चाहिए, उसी की तश्कील होनी चाहिए, ये इसका ख़ास मकसद है जी। इसी तरह के और भी किस्से हैं अकबर और बीरबल के, बहुत सारे किस्से हैं। एक और मशहूर किस्सा है कि एक रोज़ अकबर और बीरबल दोनों लोग भेष बदल के निकल जाते हैं शहर में घूमने के लिए, अपने अपनी हुकूमत में गश्त करने के लिए निकल जाते हैं, और वो चलते चलते एक हजाम के झोंपड़ी के पास रुक जाते हैं, और जब वहाँ पर रुक जाते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर चारपाई पर जो है वो एक हुक्का पी रहा है। अकबर वहाँ रुककर उससे पूछते हैं कि ये बताओ कि आजकल अकबर बादशाह के राज में लोगों का क्या हाल है। तो अकबर बादशाह के राज में लोगों का क्या हाल है या लोग क्या महसूस कर रहे हैं जब उससे पूछते हैं, तो वही शख्स जो यानी जो हजाम है जिससे बात कर रहे हैं वो कहता है कि हर तरफ अमन है, चैन है, हर तरफ खुशहाली है, लोग भी खुश हैं, ऐश कर रहे हैं, हर दिन जो है वो ईद की तरह है, हर रात दिवाली की, यानी ये खुशियों उसकी तरफ दर उसकी हुकूमत में चारों तरफ जो है लोग खुश हैं और बड़े आराम से हैं, सब कुछ ठीक है। बादशाह बहुत खुश होता है और फिर बहुत खुश होके वो जो है फ़ख्रिया अंदाज में बीरबल से कहता है कि देखा बीरबल हमारी हुकूमत में लोग जो है कितना अमन चैन से रह रहे हैं, कितनी खुशहाली है, सब लोग खुश हैं। बीरबल कहता है देखिए इस पर ज़्यादा वो मत कीजिए, फ़ख्र मत कीजिए, क्योंकि
ये चीज़ें बदलती भी रहती हैं। तो खैर बादशाह चले जाते हैं और कुछ रोज़ के बाद जो है फिर ऐसे ही मामला पेश आता है और फिर वो गश्त के लिए निकलते हैं कुछ रोज़ के बाद, और फिर वो उसी हजाम जहाँ पिछली मरतबा वो रुके थे झोपड़ी के पास, उसी हजाम की झोपड़ी के पास रुकते हैं और फिर हजाम से पूछते हैं कि ये बताओ कि आजकल जो है वो बादशाह का राज में लोगों के क्या हालचाल हैं। तो वो जो है हजाम जो है वही जिसने उस वक्त तारीफ की थी और पूरे दरबार पूरे हुकूमत में जो अमन चैन की बात कर रहे थे, वो कहता है क्या पूछते हो तुम, बड़ी तबाह हाली है, हर आदमी परेशान है, दुखी है, सत्यानाश हो ऐसे बादशाह का जो मतलब जो है लोगों की खबर नहीं रखता, लोगों का चैन। अकबर बहुत अकबर बादशाह बहुत हैरान होते कि ऐसा क्या हो गया इतने दिन में कि इसके ख्याल मतलब इसका जो तसव्वुर था, इसका जो इमेजिनेशन था वो बिल्कुल बदल गया, इसके ख्याल कैसे बदल गए। तो वो उसको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ लोग अच्छे भी हैं बुरे भी, लेकिन वो शख्स जो है कुछ नहीं सुनता और वो जितनी भी बुराइयां हो सकती थी वो बयान करता रहता है। तो फिर वहाँ से अकबर और बीरबल दोनों चले आते हैं और फिर आकर परेशान होते हैं, बीरबल से पूछते हैं इसका ऐसा क्यों हुआ कि चंद रोज़ में ही उसका इरादा बदल गया, उसके ख्यालात बदल गए अकबर के बारे में। तो वो कहता है बीरबल कहते हैं कि देखिए इसके साथ मामला ये हुआ है हुजूर, ये लीजिए एक थैली, ये अशरफियों की थैली है और इसके अंदर 10 अशरफियाँ हैं। बोले ये क्या है? कहते ये वो थैली है जो मैंने 2 रोज़ पहले या 1 रोज़ पहले मैंने इसके घर से चुरवा दी थी, यानी चोरी करा दी थी उनकी। तो जब चोरी करा दी तो ये तो वो शख्स बहुत परेशान था, यानी उसकी अपनी जो कैफियत थी वो तमाम के तर जाहिर हो गई। तो जो हालात हैं, जो मामलात होते हैं आसपास के या जो वाकयात गुजरते हैं उसी में ही उसका वो इजहार भी करता है अपनी कैफियत का, अपने जज्बात का। यहाँ सिर्फ ये था, यानी हर शख्स जो है वो अपनी खुशहाली के तनाजुर में दूसरों की खुशहाली को देखता है। ये इसका एक सबसे बड़ी जो हासिल है वो यही है कि अपनी खुशहाली के तनाजुर में वो दूसरों को, अपनी बदहाली के तनाजुर में भी वो दूसरों की चीज़ों को उसी तरह से देखता है। लेकिन बादशाह का या हुक्मरान का ये फ़र्ज होता है कि वो अपनी जात से अलग रखकर जो है वो रियाया के दुख दर्द को समझे और उसकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करे। तो ये वो वाक़यात हैं, इस तरह के और भी वाक़यात हैं जो जुड़े हुए हैं, किस्से हैं। तो ये वो किस्सा हो गया जिसको हम यूं ही बयान करते हैं। अगर इसी किस्से को आप मकालमों की शक्ल में लिखना चाहें या पेश करना चाहें तो उसका तरीका इजहार जो है वो बिल्कुल अलग होगा। ये एक चीज़ें होती है। तो इसीलिए मकालमे और जो रवान नसर होती है उनके दरमियान ये फ़र्क होता है। और जब भी हम मकालमे लिखते हैं तो हमें इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि हमारा मकसद होता है कि हम इसको पेश करेंगे या स्टेज करेंगे, क्योंकि ड्रामा वही कामयाब होता है जिसको पेश किया जा सके जी। चाहे वो रेडियाई ड्रामा हो, रेडियाई ड्रामे में हम तस्वीर तो देख नहीं सकते लेकिन किरदारों की मदद से वो तमाम चीज़ें ऐसी हमारे सामने होती हैं जिसके ज़रिए हम ये महसूस करते हैं कि हम वो सारे कामों को होते हुए देख रहे हैं, जिसमें आवाज़ का उतार चढ़ाव है, आवाज़ों का जो है पेश करने का अंदाज है, तरीक़ा लबो लहजा कैसा, ये तमाम चीज़ें जो होती है, मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस जिस कहते हैं, तमाम चीज़ें इसके ज़रिए जाहिर की जाती हैं जी। अगर मैं बात करूं कि आज के ज़माने में जी इस तरीके के जो किस्से होते हैं इनकी क्या कुछ खूबियाँ हैं, क्या कुछ अहमियत है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए इस तरह के जितने भी किस्से हैं आज के दौर में अगर हम इनको रख कर देखते हैं तो बिल्कुल उससे बामानी नज़र आते हैं। बामानी इस सेंस में कि हर किस्से का, हर कहानी का एक मकसद होता है, एक हासिल होता है, जो हमें कोई नसीहत करता है, कोई ऐसा नुक्ता हमारे सामने पेश करता है जिस पर हम गौर व फिक्र करने पर मजबूर हो जाते हैं। और ये इंसानी ज़िंदगी उस वक्त भी उसी तरह से थी, आज भी उसी तरह से, पस मंज़र ज़रूर बदल गया, तनाजुर जो है वो अलग अलग हैं। उस ज़माने की जो माशरती ज़िंदगी थी वो एक अलग थी, आज की माशरती ज़िंदगी अलग है। आज टेक्नोलॉजी और ये तमाम चीज़ों से हमने अपने ज़िंदगी को जिस तरह से आरास्ता किया हुआ है, हमारे सोचने का, गौर व फिक्र करने का तरीका अलग हो गया। लेकिन जो किस्से हैं, जो कहानियाँ हैं, जो असल माने जो हैं वो आज भी इसलिए माने हैं कि उनका
तरीके इजहार तो अलग हो सकता है, उसमें पेशकश का अंदाज अलग हो सकता है, लेकिन जो उसकी रूह है, जो उसका जिस्ट है, जो हासिल है, वो आज भी हमें उसी तरह से उस पर अमल करने के लिए आमादा करता है। क्योंकि हम अपने बच्चों की शख्सियत साजी की बात करते हैं या खुद अपनी शख्सियत साजी की बात करते हैं, तो हमें नसीहतें उसी तरह से वहीं से मिलती हैं, इन वाकयात से हमें बहुत कुछ हासिल होता है। तो आज के ज़माने में ये सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि इनको उस वक्त सिर्फ तहरीरी शक्ल में ही हमारे सामने मौजूद थी, या ये वो किस्से थे जो सीना बसीना जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन या एक शख्स से दूसरे शख्स तक पहुंचते थे, जिसको हम ओरल शक्ल कहते हैं, कि सुनने के साथ साथ हमने अपने बच्चों को सुनाया, उन्होंने आगे सुनाया, इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। बाद में जब तहरीरी शक्ल इख्तियार कर ली तो फिर वो सहीफ़ों की शक्ल में हमारे सामने मौजूद हो गए, किताबों की शक्ल में हमारे सामने आ गए। आज हम इनको जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है उसके ज़रिए हम इसको ऑडियो वीडियो की शक्ल में पेश करते हैं, यानी ड्रामाई अंदाज को हम इसको, चाहे वो टीवी सीरियल की शक्ल में हो, चाहे टीवी के चाहे फिल्म की शक्ल में हो, चाहे फीचर की शक्ल में हो, किसी भी तरह से हम इन तमाम चीज़ों को पेश करते हैं। तो पेशकश का जो अंदाज़ है वो थोड़ा सा अलग हो गया है, तो वो ज़माने आज, लेकिन उनकी मानवियत, उनकी अहमियत उन किस्सों की आज भी बरकरार है। जी, एक अच्छा खासा समय हम सबको मिला तो इस लॉकडाउन के दौरान, इस कोरोना पीरियड में, तो जिन बच्चों ने इस समय में उर्दू सीखने की जो शुरुआत की है जी, किस तरीके से आप उनकी हेल्प करना चाहेंगे, किस तरीके से उनको जो एक सरल माध्यम है वो बताना चाहेंगे? देखिए, जबान को सीखने का जो मामला है उसमें ये सिलसिला बराबर जारी है। आप इस सतह पर हैं जहाँ पर आप गौर व फिक्र की सलाहियत रखते हैं, आप तमाम चीज़ों को नाकेदाना अंदाज से भी देखते हैं, ये तमाम जो पहलू हैं आपके, जिसमें आपके इजहार के तरीके हैं, ये इसकी तरबियत आपको हुई है और हो रही है। आपको अपने सबक के साथ जो है वो देखना है कि उसमें ज़बान सिखाने के कौन कौन से पहलू मौजूद हैं। ये तो किस्से, कहानी, नज़में, ये तमाम चीज़ें एक बुनियाद की हैसियत रखते हैं या बुनियादी मवाद की हैसियत रखते हैं। हमें इनकी मदद से ज़बान को सीखने सिखाने से हमारा मकसद होता है कि हम इसको किस तरह से ज़बान को सिखाएं। मिसाल के तौर पर यही सबक अगर आप लें, और इस सबक में भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम जो है बात कर सकते हैं, जैसे चाहे अल्फाज का इस्तेमाल हो, चाहे कवायद के किसी पहलू का इस्तेमाल हो, जो है मिसाल के तौर पर आप इस टेक्स्ट को दे अगर पढ़ें, इसमें जो टेक्स्ट आपके स्क्रीन पर मौजूद है, इसी सबक से ही इसको लिया गया और इसमें थोड़ी सी तर्मीम इजाफा किया गया। देखिए, देखिए एक बूढ़ी औरत आ रही है, बूढ़ी औरत बड़ी गरीब और दुखी नज़र आती है, बूढ़ी औरत के बारे में अच्छे ख्यालात दिल में लाइए, फिर बूढ़ी औरत की बातें सुनिएगा। सचमुच बूढ़ी औरत बहुत परेशान लग रही है, तरस आ रहा है बेचारी बूढ़ी औरत पर, आज से ही बूढ़ी औरत के खाने पीने के लिए शाही खजाने से इंतज़ाम करवा दूंगा। अकबर जल्दी से छिप जाइए ताकि बूढ़ी औरत अकबर को ना देख सके। आपने गौर किया होगा कि इसमें बूढ़ी औरत कई मर्तबा आया है, अकबर का भी नाम आया है। ये तमाम चीज़ें आपके टेक्स्ट में जब आप उसको पढ़ रहे थे मतन को, तो उसमें इस तरह से इबारत नहीं थी। इसमें इसको इबारत को जो था वो सूरत ये थी इसकी, देखिए एक बूढ़ी औरत आ रही है, वो बड़ी गरीब और दुखी नज़र आती है, उसके बारे में अच्छे ख्यालात दिल में लाइए, फिर उसकी बातें सुनिएगा। सचमुच वो बहुत परेशान लग रही है, तरस आ रहा है इस बेचारी पर, आज से ही इसके खाने पीने के लिए शाही खजाने से इंतज़ाम करवा दूंगा। आप जल्दी से छिप जाइए कि वो आपको ना देख सके। ये जो अल्फाज हैं इसमें बूढ़ी औरत बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, यानी उनकी तकरार बार बार हर जुमले में नहीं हो रही है, ना उनका इस्तेमाल है, बल्कि इनकी जगह पे वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसको इस्तेमाल किया, इसको इस्तेमाल किया, या आप इस्तेमाल किया, ये इस तरह के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए गए। और ये जो है बूढ़ी औरत इस्म है, और इस्म की जगह पे हम किसी दूसरे लफ्ज का इस्तेमाल करें, तो ऐसे जो अल्फाज हैं वो ज़मीर कहलाते हैं। तो ये एक जो उसूल है, और इसकी वजह से जो है इबारत
फसी हो गई है, आसान हो गई है पढ़ने में भी। बार बार जो है बूढ़ी औरत, अगर हम उसको दोहरा रहे हैं लफ्ज़ को, या अकबर का लफ्ज़ जो बार बार हम उसको दोहराएं, उससे बच जाते हैं और उसकी वजह से जो इबारत है वो बोझल हो जाती है। और यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती है जब आप इस इबारत को पढ़ते हैं। तो इसमें जो वो लफ्ज़ है या आप लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ है, उस लफ्ज़ है, ये उन लोग किरदारों से मुखातिब होके यानी उनको एड्रेस करने के लिए, तो ऐसे तमाम अल्फाज जो हैं वो ज़मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। और आगे अगर आप बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि ज़मीर की कई शक्लें होती हैं, ज़मीर मुतकल्लम जिसको कहते हैं, ज़मीर हाजिर जिसको कहते हैं, ज़मीर गायब जिसको कहते हैं, ये अलग अलग सूरतें होती हैं। यानी बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है या जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है वो यानी खुद से मतकल्लम मतलब बात करने वाला जो है, वो खुद कहने वाला जो इजहार है, यानी मैं, हम, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, ये जो अल्फाज हैं ये ज़मीर मतकल्लम कहलाते हैं, इनके अल्फाज हैं। ज़मीर हाजिर यानी सुनने वाला जो सामने मौजूद है और फिर वो जो बात करता है, जैसे तुम, आप, तू, तुम्हारा, तुम्हें, आप ही वगैरह, ये जिस तरह से जो अल्फाज हैं वो। और गायब यानी जो जिसके बारे में बात की जा रही है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, उसके बारे में बात करें, यानी वो, उस, उसे, उन्हें, ये इस तरह के जो अल्फाज हैं वो ज़मीर गायब का हिस्सा होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ज़बान के हवाले से वो हमें इस सबक के ज़रिए सीखने को मिलती हैं। या हम और आगे बढ़ें तो हम जब कच्छ एक ऐसे लफ्ज़ों की बात करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि एक छोटा सा लफ्ज़ किसी बड़ी इबारत को वाज़े करता है, या कई जो अल्फाज होते हैं उनको लिखने के बजाय हम किसी एक शख्स को, किसी एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे अल्फाज भी इसमें हमें तलाश करने होते हैं। जैसे बादशाह, बादशाह वो होता है जो बादशाहत करने वाला होता है। लकड़हराम किसको कहते हैं, जो लकड़ी काटने वाला या लकड़ियाँ काटने वाला। रहम दिल, जिसके दिल में रहम हो। अक्लमंद, जो अक्लमंदी की बातें करता हो। अयादत, बीमार की मिजाज पुरसी जब हम करते हैं तो वो अयादत के लिए। कुर्रा अंदाजी यानी बहुत से लोगों में से किसी एक का नाम निकालने का तरीका होता है, किसी एक का इंतखाब करना होता है, तो हम वो कुर्रा अंदाजी कहते हैं। या अस्तबल एक लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है, यानी वो जगह जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं, तो ऐसी लफ्ज़ियात हमें इसमें सबक में मिल जाती हैं, चाहे वो बादशाह हो, चाहे लकड़हारा, चाहे रहमदिल, ये इस तरह की लफ्ज़ियात हमें मिलती हैं जिनके अपने माने हैं। यानी कई, अगर इनकी वजाहत की जाए तो कई लफ्ज़ इनके लिए लिखने होंगे इसमें, यहाँ ना करके हम सिर्फ एक लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो उर्दू में ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जो मखसूस हैं, उनके मखसूस माने हैं, उनके मखसूस अल्फाज के ज़रिए उनका इजहार किया जाता है, तो ये भी हमें इसमें हासिल होता है। तो इस तरह से हम ज़बान के लेकर के कई एक सरगर्मियाँ, यानी ये तो चंद एक मिसालें हैं, आप इसी तरह की सरगर्मियाँ अपने तौर पर भी कर सकते हैं और मशक कर सकते हैं ताकि आप ज़बान की चीज़ों को सीख सकें, ज़बान को सीख सकें। जी बखूबी आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी और काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने हमसे साझा की, और स्टूडियो में आने के लिए और मार्गदर्शन करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। एक शेर है, अर्ज कर रहा हूँ, किसी का किस्सा गम, किसी का किस्सा गम, किस्सा ख्वां सुनाए जा, कि सो चला है जमाना उसे जगाए जा। किस्से के हवाले से ये शेर। जी शुक्रिया, बहुत खूब। तो देखा आपने कि एक मतलब कि बहुत ही खूबसूरत सा एक अंत देके इस कार्यक्रम को हम जा रहे हैं, और आज आपने सीखा अच्छे ख्यालात के बारे में और साथ ही आपने उर्दू के जो बेसिक टर्म्स हैं उसके बारे में भी जाना। लेकिन अभी के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन बने रहें किशोर मंच के साथ, देखते रहें किशोर मंच। अभी के लिए इजाज़त, नमस्कार।